कराहल में ये कैसा टोल टैक्स, जहां सड़क से ज्यादा गड्ढे हैं, सुविधा के नाम पर न क्रेन है न पानी, फास्टैग भी दिखावा। खबर कराहल से है, जहां मालवाहक वाहनों के ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि उनके साथ टोल टैक्स के नाम पर एक तरह की लूट की जा रही है। हम बात कर रहे हैं उस सड़क मार्ग की, जहां स्वयं देश के प्रधानमंत्री मोदी भी आ चुके हैं और विश्व विख्यात कुनू सेंचुरी का मुख्य मार्ग भी इन्हीं सड़कों पर से गुजरता है। फिर भी सड़कों की ऐसी बदहाल हालत विकास के एजेंडे पर सवाल खड़ा करती है। कल यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चीता सफारी का उद्घाटन करने आ रही हैं, जिसके चलते तमाम सरकारी महकमा इन्हीं सड़क मार्ग से यहाँ लगातार आ रहा है, पर फिर भी सड़कों की हालत पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि कराहल से शिवपुरी तक 75 किलोमीटर की दूरी के बीच लोडिंग वाहनों से टोल वसूलने के लिए कंपनी द्वारा 2 टोल बूथ बनाए गए हैं। इनमें से कराहल से टोल टैक्स प्रबंधन बड़ी ही जिम्मेदारी से हर लोडिंग वाहन, चाहे वह स्थानीय वाहन ही क्यों ना हो, उससे टोल वसूलने का काम बखूबी करती हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़कें चलने लायक है या नहीं। बता दें कि कराहल से लेकर पोहरी तक की सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। सड़क छिन्न हो चुकी है, सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसकी वजह से आए दिन कई वाहनों में टूट फूट होती रहती है। वहीं फास्टैग की सुविधा का कोई विशेष लाभ कराहल के टोल टैक्स पर नहीं दिया जाता। आप नकद भुगतान करें या फास्टैग से, आपको हर चक्कर पर बराबर ही राशि चुकानी पड़ेगी। वही टोल टैक्स पर सुविधा के नाम पर आपको केवल पर्ची पर धन्यवाद लिखा मिलेगा। यहाँ न ही कोई क्रेन, न ही ठंडे पानी का कोई इंतजाम है, टॉयलेट के गेट भी टूटे पड़े हैं। जब किसी की दुर्घटना हो जाती है या गाड़ी में वाहन फंस जाता है तो घंटों तक जाम लगा रहता है, क्योंकि टोल बूथ पर व्यवस्था सुधारने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। वही कराहल के जिम्मेदार अफसर भी इस ओर ध्यान नहीं देते कि टोल वसूलने वालों से जरूरी सुविधाएं और सड़कों की हालत को सुधरवा सके। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शर्मा भाई जी, कहाँ के निवासी हो तुम? कराल के निवासी। क्या टोल संबंधी क्या समस्याएं आ रही हैं? टोल समस्या ये है, जैसे अपन डेली चल रहा हूँ मैं, जैसे अपनी खेती भी इधर ही है, सब कुछ इधर ही है, इधर जाएंगे 400 जाने के देने पड़ते हैं, 400 आने के देने पड़ते हैं। अच्छा, 400 किस तरह से देने पड़ते हैं? मतलब गाड़ी लेके जाऊँगा, जब पिकअप लेके जाऊंगा, ट्रक लेके जाऊंगा, कुछ भी लेके जाऊंगा। एक बार के 200 रुपए ले रहे हैं? एक बार के 200। और ऐसे दो टोल टैक्स हैं? दो है। तो कितने किलोमीटर के बीच हैं दो टोल टैक्स? ये 60 किलोमीटर में। अच्छा, 60 किलोमीटर में दो टोल टैक्स? दो टोल टैक्स। तो आप जब फास्टैग यहाँ पे चालू है या नहीं है? फास्टैग में भी वो कटेंगे 200। अच्छा, फास्टैग में अगर तुम 24 घंटे के अंदर लौटते हो तो कितने कटते हैं? 200। अच्छा, बराबर ही रहता है? बराबर ही है, भले ही आप कितनी बार भी कितनी बार ही आओ। सड़कों की क्या स्थिति है? पूरा खत्म है, गड्ढे हो रहे हैं, सीप अपने सीपरी से लेकर कराल तक। क्या मतलब क्या खत्म है सड़कों में? गड्ढे हो रहे हैं, कबानी टूट रही है, गाड़ियाँ टूट रही है, वो सब जगह ही। और इनसे कहते हैं तो उनकी बहुत, तुम पैसे दे जाओ, हम बनवा देंगे। जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव जी, ये जो आप कराल टोल टैक्स पे खड़े हैं, क्या बात करना चाहते हैं इसके विषय में? अरे साहब, जो फर्जी लगा रखा है इन लोगों ने, गडकरी मंत्री उनने कहा कि 60 किलोमीटर तक कोई टोल नहीं लगता है, लेकिन ये फिर भी टोल लिए जा रहे हैं फर्जी पे फर्जी। ऐसी बड़ौदा में लगा रखा है इन्होंने टोल, वो भी फर्जी लगा रखा है, उसकी म्याद खत्म होने के बाद ही पैसे वसूले जा रहे हैं। और रोडों की थी हालत है कि गाड़ी की डीजल भी खराब, इंजन भी खराब, हम भी खराब। सड़कें इतनी खराब हैं कि गाड़ियां भी खराब हो रही हैं उनमें? हाँ, बिल्कुल खराब हो रही है गाड़ियां, और कोई देखभाल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और अगर इनसे बात करो तो उल्टी बात करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। अच्छा, लड़ने के लिए भी उतारू? बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहते हैं, लड़ने का तैयार। अच्छा, जो आप सड़कों से आते हैं तो आप टोल टैक्स तो सड़कों का देते हैं, गड्ढों का दे रहे हो, इसका मतलब आप टोल टैक्स? सरकार ने हमसे पहले ही ले लिया 60,000 रुपये रोड टैक्स का, तो ये तो फर्जी में ले रही है सरकार डबल। इसका तो नियम ही नहीं है, अगर इससे नियम की बात करो तो ये नियम की बात ही नहीं करते हैं, जानते नहीं है नियम, वो क्या करेंगे? ये सब गुपचुप में चल रहा है, सब मिली भगत है सब। तो कहीं ना कहीं लोडिंग वाहन वालों से लूट का एक धंधा ही बन गया है। बहुत जोर का धंधा है इनके पास, उनके जो गुरखे लोग हैं, उनके जो मेन लोग हैं, वो सब मिले हुए हैं ऊपर से नीचे तक। फास्टैग का भी कुछ सुन रहे हैं कि बराबर चार्ज कटता है? नहीं कटता, हर गाड़ी का अलग अलग नंबर से कटता है, कोई 4 नंबर का अलग पैसा लेते हैं, किसी का अलग लेते हैं। अच्छा, जैसे अगर 24 घंटे में गाड़ी दोबारा लौटती है तो भी बराबर ही ले? यहाँ तो कराल के और बड़ौदा पे बराबर काट रहे हैं फुल, और सीपरी वाले टोल टैक्स भी बराबर काटते हैं फुल। यानी फास्टैग केवल दिखा कोई मतलब नहीं फास्टैग का, इनकी मर्जी का टैक्स है, वो मर्जी पड़े ले रहे हैं, गाड़ी का पहले टैक्स काट रहे थे। रोड ऐसी दीनी सालों ने, बिल्कुल खराब रोड है बिल्कुल।
जी, मेरा नाम विनोद शर्मा है और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का जिला अध्यक्ष सोपोर से हूँ, कराल रहता हूँ। आप कराल रहते हैं और ये टोल टैक्स एक दुविधा का कारण बना हुआ है लोडिंग वाहनों का। लोडिंग वाहन वाले कहते हैं कि हमसे बराबर टोल लिए जाते हैं लेकिन सड़कें अच्छी नहीं हैं। क्या सड़कें अच्छी नहीं हैं? देखिए, ये बड़ी एक दुविधा है हमारे श्योपुर ज़िले में। अधिकतर ये वो मार्ग है जो आप देख रहे हैं, इससे हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी आए हुए हैं, कई हमारे केंद्र के केंद्रीय मंत्री भी आए हुए हैं और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तो आए दिन आते ही रहते हैं। बड़ा अफसोस की बात है कि उन्हें ये रोड नहीं दिखता है, कितने गड्ढे हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी आए उस समय कुछ आनन फानन में इस रोड का काम किया था, एक RMN कंपनी थी उज्जैन की, उसने शायद किया था काम थोड़ा सा, लेकिन बीच में ही काम अधूरा छोड़कर और एक टोल टैक्स, दो टोल टैक्स यहाँ पर स्थापित कर दिए, एक शिपरी के पास में लगा हुआ, एक कराल पर लगा दिया। एक आय का साधन, ये कहा जाए कि एक लूट का साधन उन्होंने तैयार किया है। और इंडियन हाईवे एक्ट के 1956 के तहत ये टोल टैक्स जारी किया था उस समय, लेकिन ये उन जगहों पर लगना चाहिए जहाँ हाईवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, एक्सप्रेसवे हैं या पुल वगैरह है, उन पर ही ये टोल टैक्स लगाया जाता है। लेकिन छोटी सी सड़क पर भी टोल टैक्स डबल लगाया जा रहा है, काफ़ी परेशानी का सामना हमारे क्षेत्र के लोगों को करना पड़ रहा है। सड़कों की हालत तो ये है सर कि गड्ढे ज़्यादा हैं, ड्राइवर बता रहे हैं जो आते हैं, हम भी निकलते हैं, हमने भी देखा है, गाड़ियाँ टूट जाती हैं। ये यहाँ जो आगे एक जो घाटी है, जो मोड़ है, वहाँ जाम लग जाता है, कुछ क्रेनियाँ नहीं है, क्या है ये? मतलब सुविधा का टैक्स ले रहे हैं या असुविधा का टैक्स? ये कोई सुविधा नहीं है, असुविधा ये जनता को दी जा रही है। और मैं एक बात कहूँगा कि एक उज्जैन की जो ओशिश इंफ्रा कंपनी है, जिसने अभी तक रोड बनाया नहीं है, तो फिर वो उस कंपनी को ये टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? किस आधार पर वो कंपनी इस टोल टैक्स को ले रही है, जब उसने अभी ये कंक्रीट का काम नहीं किया है, रोड बनाया ही नहीं है उसने? ये ओशिश इंफ्रा कंपनी उज्जैन की है, इसने ये रोड बनाया नहीं है, तो फिर उस कंपनी को ये टोल टैक्स क्यों दिया गया है? टोल टैक्स का मतलब होता है जो कंपनी रोड को बनाती है वो अपनी लागत निकालती है, और लागत निकलने के बाद ये बंद भी होना चाहिए टोल टैक्स। जब उसकी जो लागत लगाई है उसने सड़क में, वो पैसा जब वापस कंपनी के पास पहुंच जाता है, बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को मिले मिले लगातार मान सकते, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि प्रशासन या राज्य सरकार के कुछ लोग इसमें मिली भगत चल रही है। एक सर, इससे जो सेंचुरी विश्वविख्यात है वो भी नहीं, उनका मार्ग भी नहीं मुक्त सड़कों से। बिल्कुल बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी सेंचुरी हमारे नज़दीक है, यहाँ से मात्र ये जो सड़क है वो वहीं जाती है, यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर से उसका एरिया लग जाता है, और काफ़ी सैलानी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो एक तरह से ये एक कमाई का एक साधन बना लिया है। बाकी ये आदिवासी विकास खंड है, आदिवासी विकास खंड का एक राज्य सड़क है, ये राष्ट्रीय सड़क नहीं है, ये राज्य सड़क है। सर, कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे चीता सफारी का उद्घाटन करने, तो तमाम अफसर भी यहाँ आए हुए हैं, तो क्या सर उन अफसरों को भी सड़कें नहीं दिख रही हैं? बिल्कुल, उनको आंखें बंद की हुई हैं, सब अफसर लोग सब अपनी अपनी कमाई में लगे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। कम से कम आदिवासी विकास खंड में तो ये टोल टैक्स होना भी नहीं चाहिए, काफ़ी गरीब एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ किस बात का टोल टैक्स? सर, सुविधाओं के नाम पे यहाँ किया है? सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है, असुविधाएँ जनता को बांटी जा रही हैं। आए दिन घाटी में जाम लगे रहते हैं, एक सिंगल सड़क है घाटी में, वहाँ आए दिन जाम लगते हैं, और सुविधा के नाम पर ना ही कोई एम्बुलेंस है, ना कोई क्रेन है यहाँ पर, और लेटरिन बाथरूम भी ऐसे नहीं है जिनमें पानी की सुविधा हो, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। ये सब क्या है कि लूट मार, सरेआम दिन दहाड़े लूट मार किए जाने का एक साधन बनाया गया है। रोड जी, क्या हालत है सड़कों की? बहुत बुरी हालत है। अच्छा, कैसे गड्ढे हो रहे हैं सड़कों? बहुत गड्ढे हो रहे हैं। तो आपसे टोल वसूल, तो टोल टैक्स तो आपसे लिया जा रहा है? हाँ। क्या बोलो, कैसे जाते ले रहा टोल? क्यों टोल लिया जा रहा है? गड्ढों का? हाँ, गड्ढों का।